दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मैं ऐसे मारूफ राज आज आपको बताने वाला हूँ MI की चार सीक्रेट हाइडन सेटिंग के बारे में, जो शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों सेटिंग को पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे YouTube चैनल पर आने वाले वीडियोज़ और अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लिया है। दोस्तों जो आज का पहला सेटिंग है उसे मैं बताऊंगा कि किस तरह अपना नाम लॉक स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आपको फिर से नीचे आना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन आया है, तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन जो कि लिखा है लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको अपना नाम टाइप करने के लिए दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर पहले से मेरा नाम टाइप है दोस्तों, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर टाइप करिए, फिर यहाँ से ओके कर दीजिए, तो आपका नाम लॉक स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। दोस्तों जो सेकंड सेटिंग है उसमें मैं बताऊंगा किस तरह आपका अगर तीनों बटन नीचे वाला जो है वो काम करना बंद कर देता है तो अपना मोबाइल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको बैक आना होगा। देखिए दोस्तों मैं बैक आ गया। तो दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्यूक बॉल का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों आपको क्यूक बॉल को ऑन कर लेना है। देखिए दोस्तों मैंने इसे ऑन कर लिया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं साइड में क्यूक बॉल का एक एरो है, तो आपको उसे किसका इधर लाना है बीच में, तो एक बॉल जैसा आ गया, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं बैक बटन है, स्क्रीन शॉट है, लॉक है, फिर से मेन्यू बटन है, होम बटन, इन सबका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह अगर आपका तीनों बटन काम करना बंद कर दे तो आप क्यूक बॉल से अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्यूक बॉल का सेटिंग। तो दोस्तों जो तीसरा सेटिंग है उसे मैं बताऊंगा कि आप बटन का कैसे शॉर्टकट उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका शॉर्टकट उपयोग, अगर कैमरा लॉन्च करना है तो उसका शॉर्टकट उपयोग, ये सब मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको बैक आना होगा। देखिए दोस्तों मैं बैक आ गया। तो दोस्तों फिर से आपको इनिशियल सेटिंग में जाना है और बटन एंड गेस्चर शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करना है, जो कि क्यूक बॉल के नीचे है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं लंच कैमरा, तो दोस्तों मैं लंच कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो कि पहला ऑप्शन है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लंच कैमरा के लिए डबल प्रेस द पावर बटन सेट करके रखा है, यानी पावर बटन को दो बार दबाएंगे। उसके नीचे अब डबल प्रेस पावर बटन की जगह लॉन्ग प्रेस द होम बटन भी कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन भी कर सकते हैं। तो ये था कैमरा का शॉर्टकट। अब मैं बैक आता हूँ। दोस्तों उसके नीचे देख सकते हैं आप स्क्रीन शॉट का शॉर्टकट है, तो दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ से पहले से सेट है, स्लाइड थ्री फिंगर डाउन, यानी तीन फिंगर को नीचे खींचिए तो आपका स्क्रीन शॉट टेकन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहले से है। तो दोस्तों अगर आप इसे नहीं चाहते हैं, दूसरा सेट करना चाहते हैं, तो उसके नीचे बहुत सा ऑप्शन है, आप उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं स्क्रीन शॉट के लिए शॉर्टकट। दोस्तों ये था स्क्रीन शॉट का। इसी तरह आप बहुत से ऐप का शॉर्टकट शो कर सकते हैं या सेटिंग का शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं बैक आता हूँ। दोस्तों जो चौथा सेटिंग उसमें मैं बताऊँगा कि आपने डिस्प्ले का फुल स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी नीचे वाला जो तीन बटन है वो गायब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले से बटन पर सेट है, तो आपको फुल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे लर्न करने को बोल रहा है, यानी सीखने को, तो मैं जानता हूँ इसलिए मैं नहीं सीखूंगा। तो दोस्तों मैं नोट डाउन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं बताऊँगा कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आपको बैक आना है तो आप यहाँ से इस तरह टानिएगा, तो आप बैक आ जाइएगा। दोस्तों अगर आपको होम पे जाना है तो नीचे से आपको ले जाना है, ऐसे छोड़ देना है, तो आप होम पे चले जाइएगा। दोस्तों अगर आपको मेन्यू पे जाना है तो आपको फिर नीचे से चला के ऐसे करिएगा, तो आप मेन्यू पे आ जाइएगा। थोड़ी देर तक रुके रहना है तो आप मेन्यू पे आ जाइएगा। तो दोस्तों फिर से चलते हैं वापस सेटिंग में। ये था फुल स्क्रीन डिस्प्ले का सेटिंग। अब मैं जो पांचवा सेटिंग बताने वाला हूँ उसमें मैं बताऊँगा किस तरह आप अपने ऐप को डबल कर सकते हैं, यानी उसका क्लोन बना सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में डबल ऐप्स का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों अब ये खुल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं फ्लिपकार्ट जैसे कि है, तो इसे मैं डबल ऐप में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों फ्लिपकार्ट के आगे वाला एक स्विच है, उसको आपको ऑन कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऑन कर दिया, तो फ्लिपकार्ट अब डबल हो गया। तो बैक दोस्तों मैं अब बैक आता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ साइड में एक डबल फ्लिपकार्ट है, फिर यहाँ पर ओरिजिनल फ्लिपकार्ट है। तो इस तरह आपने किसी भी ऐप को डबल कर सकते हैं। इससे पहले आप किसी ऐप का यूज़ करते होंगे तो आप उसे डिलीट कर दें, इस तरह आप कर सकते हैं अपने ऐप को डबल। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि आप एक ही मोबाइल को दो कैसे बना सकते हैं, यानी एक ही हैंडसेट में दो डिवाइस चला सकते हैं।
हार्डवेयर दो नहीं होगा लेकिन हैंडसेट में डिवाइस दो बन जाएगा। तो इसको इसके लिए आपको ड्रॉल स्पेस को ऑन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले सेटिंग में वापस चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सेटिंग में वापस आ गया, तो आपको थोड़ा ऊपर जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, उसके नीचे सेकेंड स्पेस का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं गो टू सेकेंड स्पेस का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो आपको जो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है वो पहले डालना पड़ेगा, उसके बाद डबल स्पेस के लिए एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो इस तरह आप अपना मोबाइल में दो स्पेस चला सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपका सेकेंड स्पेस बन गया हुआ है। तो दोस्तों सेकेंड स्पेस में आपका फर्स्ट स्पेस का कोई भी ऐप नहीं मिलेगा, ओनली सिस्टम ऐप ही मिलेगा। दोस्तों ये पूरी तरह से फर्स्ट स्पेस से अलग होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली सिस्टम ऐप ही है। तो दोस्तों इस तरह आप अपना सेकेंड स्पेस बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप वापस जाना चाहते हैं सेकेंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस में, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक स्विच का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना होगा। स्विच के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है फर्स्ट स्पेस में जाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अपना फिंगरप्रिंट लगाया है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट डाल के फर्स्ट स्पेस में चले जाइए। अगर दोस्तों आपने अपना फिंगरप्रिंट नहीं लगाया तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट की जगह लॉक आएगा, तो लॉक खोल लीजिए, जो आपका स्क्रीन पर था वही पासवर्ड या पैटर्न डाल के यहाँ से खोल लीजिए। और दोस्तों अगर आपने फिंगरप्रिंट लगाया भी है और आप फिंगरप्रिंट से नहीं खोलना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ दोस्तों इंटर पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा के मैं चला गया हूँ फर्स्ट स्पेस में। देखिए दोस्तों, आप अपने फर्स्ट स्पेस के सेटिंग में वापस आ गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।